बरेली के थाना नवाबगंज में कस्बे के रहने वाले अकबर के पुत्र नाजिम ने मोहल्ले की ही 6 वर्ष की बच्ची को अकेला देखकर भैला फुसला कर अपनी छत के बरने कमरे में ले गया और वहां पर जाकर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर दुष्कर्म करने वाला युवक मासूम को बच्ची को छोड़कर चला गया। मासूम बच्ची रोती हुई बिलखती अपनी माँ के पास पहुंची और माँ को जानकारी दी। माँ ने नवाबगंज थाने में आकर तत्काल नवाबगंज पुलिस को पूरी जानकारी दी। कोतवाल नवाबगंज धनंजय सिंह ने मासूम बच्ची के साथ घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुकदमा कायम कर बच्ची को मेडिकल के लिए CHC नवाबगंज में भेजा। CHC के डॉक्टर्स ने जिला बरेली हॉस्पिटल रेफर किया। वहीं दुष्कर्म करने वाले युवक पर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचार लिखे जाने तक दुष्कर्म करने वाला युवक पुलिस के हत्थे नहीं चला था। पुलिस उसकी गहनता से तलाश कर रही है। आज आप शिकायत करने आई थी नवाबगंज थाने में, क्या मामला है पूरा? हमारी बेटी गई, मतलब कितनी साल की बेटी है? 5 साल की है। अच्छा, फिर मतलब वो ले गया इसको ऊपर बहला फुसला के लड़की को। कौन ले गया? वही लड़का। नाम क्या है उसका? नाजिम। कहाँ का है वो? घर के सामने ही रहता है। अच्छा, किसका लड़का है? अकबर का। अच्छा हाँ, फिर उसने उसके साथ में गलत काम किया। अच्छा, फिर लड़की आई मतलब ऐसे हाथ लगा कर रोती हुई। हमने कहा बेटी क्या हुआ, तो बोली अम्मी हमारे मतलब नाजिम चाचा ने हमारे साथ में ऐसा लुल्लू करा, हमारा पैजामा उतारा। जब हमने उसका खोल के देखा फिर उसने गलत काम किया उसके साथ में। तो बच्ची ने आके आपको बताया? हाँ, हमें बताया, फिर हम यहाँ आए थाने में। तो बच्ची को बहला के ले गया था वो? क्या? हाँ, बहला के ले गया। कहाँ ले गया था? ऊपर कमरे में, छत पे। अपने? हाँ, अपने घर के छत पे ले गया। अच्छा, फिर आप थाने आई? हाँ। तो थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ, दर्ज हो गई। अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं मतलब उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, उसके साथ वो अकेला था या उसके साथ और भी लोग थे? अकेला था बता जा रहे हैं। परिवार का कोई और लोग शामिल था? कोई किसी ने देखा होगा उसको? नहीं, इसने लड़की को छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाप के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा हुआ था? पहले भी एक लड़की के साथ में, शादीशुदा लड़की थी गली मोहल्ले की, उसके साथ में उनने रेप करा, पूरी मतलब फुलावाग देख के खोल दी। अच्छा, उसमें क्या लोग शामिल थे? उसमें 5-6 लोग शामिल थे, पूरे घर का परिवार था, आदमी। अच्छा, उसमें उन्हें सजा भी हुई है? हाँ, सजा हुई थी। अच्छा, वैसे ही आप कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, न्याय चाहती हैं? कार्रवाई मतलब न्याय चाहती हैं वैसे ही? हाँ। विवेक एम की रिपोर्ट।